अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं आपका मेज़बान नासिर इकबाल। इस वक्त वादी लोला में एक दिलदोस वाक़या पेश आया जहां ऐसा लगा कि बच्ची जो है इस वक्त कत्ल की गई है। ये अभी पता नहीं चल रहा है किस तरीके से इनके यहां जो फैमिली है इनसे बात करने की कोशिश करें किस तरीके से क्या हस्कित कम हुई वाक़या क्या पेश आया। ब्रोटा जाए मैंने सुनिए 500 में वो सीधे वारंट पर दिए तुम ना इस बिल चुके जैसे कि शायद बिल जिस करो वो से तो बिल सुनाई दे रहा है ये तो चीज से बोल तो बेच बिसो लोग बचा गंदा न कर सो बोल सु को तो निकिस बच को मारो मुझे पाक छल बूत वाले निभाज जो सो सा अंदर बूत सा अंदर में छल बूत होते टाइम को स्टार्ट लग गया यार गोल मुझे तो रहा दिमाग पर चाय चाय वाला तक तो लोगों पता कि बच्चे बहुत है से तो बुझो ओसिमो त्रई बोस गए ब्याक बच्चे सु नियाज मु जे तो नियाज इस घर सु उठे हो पता हो किस पर वो ओस वो मैं वो स्पोर्ट बस करा सी को बुरा गुडन घास पाछ गसा मा गसा के जो तरेल पानी गसुल तो बस चा सा नंबर तो सु गुडन घास पर बस सा अंदर बूत छाल ले फसल बूत इस कर गए त्रकना लोज मिस जी को बो जाल वाले कर तो चेक को सको ना ये तो चल के वेद के ओस वो जरा इन सु पितर तो जरा बुद जरा शाम से जरा इस काटे खफन से जरा काटे गए इस मुझे दो मिनट सु बोल ये जस गोड को तो गुमत दो सोस को तो बोल जरा दार पे ओस को तो सड़क पर पाच छन पता के ओस वो तो गए वो पोचम छन तक कितन लजो पाई यु शो अपन से इन सु डेड बॉडी अपन से पास ये पर से साणा ने से घर में से साणा ये पर के सोणा हमसा घर सोणा पर गए इन सु मोज वे को कुछ कुछ ये पर के ये तो खलता था गए ये पर के साण और आए वापस मो तो पार को नजर आ जो पार इमिस क्या शो अपन कुरमत का सास गर्दन छा से चल बस का जो से मिस्टर का ना हो रही मैं मुझे जाना है इसमें से कैसे तो क्या शो होना है इस क्लब कुरमत का सास से इसके खिलाफ का तू तीन साफ इन कर इंसाफ 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 ये आज ये बच मोर सु क्या सुबह से पता के है मार बाकी सुबह से बाबा के आज बाकी बच गया सन सु क्या बोलते मिस मार वो आज मुझे बचना बाकी ये सबसे पहले गोल्डन चांस है ये खरे मिस मस गोल्डन चांस है गोल्डन चांस है लोला बस मस खरे मिस मस लोला को बोल रहा है खरे मिस मस गोल्डन चांस नन्नी नन्नी सा जान का जिगर फादर जो है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिगर कितना ये पेश ये बात जनाब लगभग 10 मिनट या 5 मिनट बजे जाए मैंने उसको बोल पापा मुझे 5 रुपए मुझे बोला मुझे पापा मुझे 5 रुपए चाहिए मैंने निकाला चाहिए 10 रुपए तो दिए वो उठी तो मैं उठा निकल गया वो उठी दुकान पे गई कहाँ गई मैं उठा निकल गया अपने काम से निकल गया वहाँ से वापस आया मुझे घर वाले फ़ोन कर रहे थे अभी आया लगभग उससे पहले लगभग आधा घंटा उसके बाद में आया तो मुझे बोलने लगा कि बच्ची आपके साथ मैंने कहा नहीं मेरे साथ बच्चों के साथ नहीं ले जाता क्योंकि ड्राइवर पर कोई सवारी आ गई तो निकल गया तो फिर काम किया उठा तो वहाँ से आया था बर्थडे यहाँ सबको ढूंढा मैं वहाँ नाले में छलान तमाम रिश्तेदार के घर में पूरे डाल सब सबको ढूंढे ताकि इनका माला कहाँ था इनके माले था सबको घर में ढूंढा आराम से डरने के बाद किसी ने कोई जानकारी दी नहीं बोला हमें पता नहीं है लड़की ने अगर यहाँ आती हम अपने घर में रखते तो हमें उठा यहाँ से तो हमने काम किया हम उठे यहाँ से कुल चले ना ना मस्जिद में ऐलान किया मस्जिद में भी ऐलान किया तीन मस्जिद में ऐलान किया उठे तो चले गए पुलिस स्टेशन पे जब पुलिस स्टेशन पर पहुँचे वहाँ फिर वहाँ फ़ोन किया बंदे किसी ने बोला वो ऐसे ऐसे श्रीनगर से नाम सुनते ही लोग फकर से कहते थे हम वादी लोला से बिलोंग करते हैं लेकिन आज पहली बार ऐसा वाक़ा हमें देखने को मिल रहा है क्या कहेंगे इसे पूरा यहाँ पे अलग ही इस वक्त ये सिचुएशन है कि आखिर किस क्या कैसे क्या जवाब दे देंगे हम इस नन्ही सी जान को। मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ मैं पहले तो यहाँ पे पुलिस भी आई है जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस वक्त ऑन स्पॉट पे है वो इस वक्त चाहे हम SDPO लोलाब की बात करेंगे वो भी ऑन स्पॉट इस वक्त बारिश में यहाँ पे हमारे साथ जाना बचाना
खड़े हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी। और उसके साथ साथ मैं एसएसपी कोपाड़ा योगल मनाज साहब से भी अपील करता हूं, खुरहामा की तरफ से और पूरे कश्मीर की तरफ से और पूरे जो लोलाब है उनकी तरफ से, कि ये जो बच्ची है, जो हमारी ये नन्ही सी जान है, उसका कत्ल किया गया है, जल्द से जल्द हमें इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम सबकी डिमांड है, मुझे नहीं लगता है इसके बगैर कोई हमारी और एक डिमांड रहेगी। जब तक ना हम इसके कातिल को सलाखों के पीछे देखेंगे, सख्त से सख्त सजा इसके खिलाफ होनी चाहिए, ताकि हमारी भी, ताकि हम भी उसके बाद सुकून में आ जाए। आपने देखा यहाँ पे इस वक्त जो है पूरा मातम छाया हुआ है, साथ 5 साल जो बच किया गया है, यहाँ के लोगों का बताना है कि इसका कत्ल किया गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एसडीपीओ सुदाम खुद यहाँ पे, एसडीपीओ लोलाब यहाँ पे आया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी जॉब ऑन जॉब है। लेकिन मजीद अपडेट आप देखते रहेंगे कश्मीर।